हाय फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्निकल क्लासेस का आज पहला क्लास है जिसमें मैं आपको कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, ये आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर वन का ग्रुप बी का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। लिसन केयरफुली कि ये डिप्लोमा के सेमेस्टर वन के ग्रुप बी का है, जहां पर आप देखोगे कि सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें एक सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हम सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि आप आज के डेट में किसी भी सेक्टर में चले जाओ, वहां पर कंप्यूटर का वेटेज रहता है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस रहता है। तो उन सब चीजों को कवर अप करते हुए ये कोर्स आपके लिए लाया गया है, ये सब्जेक्ट आपके लिए लाया गया है। इसका प्रॉपर आपका एग्जाम होगा, इसीलिए सबसे पहले आज के क्लास में आपको पूरे सिलेबस का इंट्रो देने वाला हूं। तो बिना कुछ देर किए सिलेबस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में। कोर्स ऑब्जेक्टिव विच मींस व्हाट, कि सबसे पहले पढ़ने से पहले आप ये जान लो कि आखिर जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आगे चलकर इसका यूजेस क्या क्या रहेगा, वो उनके दिमाग में नहीं रहता है। तो उन सब चीजों को फोकस करते हुए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको शुरुआत करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आज के क्लास में मैं केवल आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव और कंटेंट के बारे में इंट्रो करूंगा, और अगले क्लास में एक एक टॉपिक को लेकर यूनिट बाय यूनिट हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आप कोर्स ऑब्जेक्टिव में देख रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है This course is intended to make new students. Listen carefully, ये किनके लिए बनाया गया है, तो new students के लिए जो किस फील्ड में आ रहे हैं, कंप्यूटर के फील्ड में आ रहे हैं, वो अपने आप को क्या फील करें, कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग कंप्यूटर में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। दैट इज वाई इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव अगर बात की जाए तो करना क्या है आप लोगों को, कि स्टूडेंट जो भी नए स्टूडेंट है उनको कंप्यूटर के एनवायरमेंट में आपको क्या करना है, वहां पर आप कंफर्टेबल फील करो, इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आगे हम लोग बात करें तो यहां पर आपको करना क्या क्या है, तो लर्निंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक एक पढ़े लिखे इंसान को, जैसे साक्षरता का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वहां पर पढ़े लिखे इंसान को किसी भी भाषा में लिखना या पढ़ना आना चाहिए, ठीक उसी तरह से आज की डेट में कंप्लीट लिटरेट कहलाने के लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि आप जूनियर इंजीनियर बन जाओ और आपको कंप्यूटर के बारे में आता ही नहीं हो, फिर आप वहां पर इलिटरेट कहे जाओगे आज के समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंप्यूटर हर सेक्शन में है। आप हाथ में मोबाइल लेते हो वहां भी कंप्यूटर का यूज है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी सिस्टम में चले जाओ, वहां पर आपको कंप्यूटर सिस्टम देखने को मिलेगा, और उसको आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उसको एटलीस्ट ऑन ऑफ और उसमें समथिंग कुछ वर्क कर पाओ। तो इसी पॉइंट को रखते हुए, इसी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, इसी ऑब्जेक्टिव को रखते हुए ये आपका कोर्स तैयार किया गया है। तो वही कह रहा है कि लर्निंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर स्किल्स और साथ ही साथ लर्निंग बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर एज वेल एज, क्योंकि सॉफ्टवेयर टूल्स का तो नॉलेज दिया ही जाएगा, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, अवेयरनेस विच मीन्स व्हाट, अवेयरनेस विच मीन्स जागरूकता, यानी कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको जागरूक करना इसका मेन मोटो है। ये नहीं कि आप किसी सिस्टम में जा रहे हो और आपको बेसिक नॉलेज है ही नहीं, कंप्यूटिंग स्किल है ही नहीं, आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस समझ नहीं रहे हो, ना ही सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है वो चीज का आपको नॉलेज है, और आप वहां सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। इसी पॉइंट को रखते हुए इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया है। इसे पढ़ना क्या क्या है, किस सेक्शन में डिवाइड किया गया है, वो चीज देखेंगे। तो ऑल टुगेदर पूरे कोर्स को, अगर कोर्स कंटेंट की हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे होंगे कोर्स कंटेंट, इसको ऑल टुगेदर कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देखोगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो इस पांचों यूनिट में है क्या क्या, आइए वो एक एक करके हम देखते हैं। तो यूनिट 1 में जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या कहता है, बेसिक इंटरनेट स्किल, सबसे पहला चीज जो कि आज के डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंटरनेट लोग को, आज के डेट में आप खाना पीना बंद कर दो वो चलेगा, लेकिन इंटरनेट आप किसी का बंद कर दोगे तो वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या चीज का नॉलेज दिया जाएगा, बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, किसका, इंटरनेट स्किल्स का, ताकि जो लोग इंटरनेट को नहीं ऑपरेट कर पाते हैं, इंटरनेट को हैंडल नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट वो इंटरनेट स्किल्स के बारे में जान पाए। साथ ही साथ आपको किस चीज के बारे में बताया जाएगा, ब्राउजर्स के बारे में, एफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन के बारे में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर
करते यूज सब कोई है, लेकिन किसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो चीज नहीं पता होता है। और यही चीज कहलाता है लिटरेसी, कि आप जिस चीज को यूज कर रहे हो उसके बारे में आप जानो। तो सर्च इंजन क्या है, ब्राउजर्स क्या है, इंटरनेट स्किल्स के बारे में आप जानोगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर यूनिट वन में दी जाएगी, जो कि मैं ही आपके सामने एक एक वन डे बाय डे करके आपके सामने लाऊंगा। साथ ही साथ अवेयरनेस आपको पैदा की जाएगी, किस चीज की जागरूकता आप में लाई जाएगी, डिजिटल इंडिया पोर्टल। जैसे कि आपको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखोगे तो वो डिजिटल इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो भी डिजिटल इंडिया के पोर्टल हैं, जो भी पोर्टल हैं, जो .gov.in जो भी आते हैं, उन सारे चीजों के बारे में, चाहे वो स्टेट पोर्टल्स हो या फिर नेशनल पोर्टल्स हो, इन दोनों चीजों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्टेट एंड नेशनल। और साथ ही साथ आपके पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के पोर्टल के बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। हालांकि बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये पोर्टल है क्या, तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। बस आज क्लास का इंट्रो है, इंट्रो आप देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा, तो ही आप डे बाय डे मेरा क्लास ले पाओगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर उसके अलावा क्या मिलेगा, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कॉम्पोनेंट सच एज। अब कंप्यूटर हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स के बारे में, जो भी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स कंप्यूटर में असेंबल रहते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। कौन कौन से हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स सच एज, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या है, सीपीयू, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, एसएसडी। अब ये एसएसडी क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जब हम लोग डे बाय डे क्लासेस में चलेंगे तो इन सारी चीजों पर मैं डेप्थ नॉलेज दूंगा, ताकि आप कहीं भी कंफर्टेबल फील कर पाओ, कंप्यूटर में आपको ये ना लगे कि मुझे नहीं आता है, और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करो। तो इन सब चीजों को देखते हुए यूनिट वन तैयार किया गया है। आइए देखते हैं यूनिट टू में क्या है। तो यूनिट टू जैसा आप देख रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली कोई भी अगर आपका मोबाइल हो या कोई भी सिस्टम हो, उसको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आप जाकर काम कर सको, हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सको, तो वो जो सिस्टम होता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि इसके बारे में डेप्थ हम लोग और देखेंगे जब यूनिट टू का बेसिकली हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अभी केवल इतना जानना है कि आखिर यूनिट टू में पढ़ना क्या है। तो यूनिट टू में हमको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में, कि आप इंस्टॉल भी कर सको। यही इंस्टॉलेशन कराने के लिए लोग आज की डेट में मार्केट में 1000 से 1500 रुपए देते हैं दुकान वाले को अपने लैपटॉप के साथ। तो वो चीजें आपको नहीं करना, आपको खुद से इंस्टॉल करना आना चाहिए। और वो बताएगा कौन, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। कौन कौन से सिस्टम को, केवल विंडोज को नहीं, सबसे पहले लिनक्स को करोगे, एमएस विंडोज को करोगे, और यूनिक्स सेल सिस्टम एज वेल एज कमांड्स और वी एडिटर के बारे में भी आपको पढ़ना बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, यूनिट टू में। आइए देखते हैं यूनिट थ्री में आपके लिए क्या है। तो यूनिट थ्री जैसा कि आप देख रहे होगे, HTML यानी कि वेब पेजेस बनाना भी आप सीखोगे। यानी कि कोई भी वेबसाइट का जो पेज होता है, जो भी इंटरनेट पर आप पेज ओपन करते हो एक्सक्यूज मी, तो वो जो पेज होता है वो HTML पेज कहलाता है। तो वो पेज के बारे में भी आपको नॉलेज पता चलेगा, आप अपना खुद का नाम लिखा हुआ इंटरनेट पे का पेज तैयार कर पाओगे। साथ ही साथ उसमें जो भी HTML जो होता है, उसमें CSS के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। जो भी आप देखते होंगे, कोई बटन डाउनलोड नाउ का जो है वो ब्लिंक कर रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है, या फिर कोई चीज स्क्रॉल कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम कहां देखेंगे, CSS में। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैं क्लास लूंगा तो आपको लिखवाऊंगा भी और बताऊंगा भी। CSS का कैस्केडिंग स्टाइल सेट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें बेसिक नॉलेज पर्सनल वेब पेजेस का आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। आइए बिना कुछ देर के यूनिट फोर को देखते हैं। और यूनिट फोर में आपको क्या है, ऑफिस टूल्स के बारे में। कुछ लोग चाहते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ काम करें, तो उसके लिए ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी पार्ट टाइम जॉब में जाओगे तो वहां डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपको जॉब मिलेगा, और वो काम तभी आप कर पाओगे जब आपको डेटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर से आप रूबरू हो सकते हो। सच एज जैसे देख रहे होगे ऑफिस टूल्स में क्या क्या है आपके पास, ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस का राइटर जहां डॉक्यूमेंट वगैरह बनाओगे, ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट जहां प्रेजेंटेशंस तैयार करोगे, पीपीटी तैयार करोगे, स्लाइड्स तैयार करोगे, ये सारी चीजें, एज वेल एज ओपन ऑफिस इम्प्रेस। और आपको साथ साथ क्या मिलेगा, इम्प्रेस का इम्प्रेशन के थ्रू भी मिलेगा, ताकि आप वहां पर स्प्रेडशीट के थ्रू जो काम कर पाओ, एक्सेल की सीट पर भी काम कर पाओ। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, यूनिट फोर में मिलेंगी। आइए चलते हैं लास्ट यूनिट पर, क्योंकि पांच ही यूनिट में आपके कोर्स को डिवाइड किया गया है। और पांचवा यूनिट जो आप देख रहे होंगे वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्योंकि जैसे जान जाओ आज तक वर्ल्ड वॉर दो हुए हैं, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो वो वेपन्स के साथ नहीं लड़ा जाएगा। वहां जो वेपन्स रहेंगे, हथियार रहेंगे, वो रहेगा डेटा। क्योंकि आज के डेट में डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो उस डेटा को सिक्योर कैसे रखना है, आपके इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कैसे रखना है,
अगर कोई उसमें सेंध लगा रहा है तो उससे बचना कैसे, ये सारी चीजें हम कहां देखेंगे, यूनिट 5 में। तो आई थिंक आपको पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन पता चला होगा कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है और बेसिकली पढ़ना क्यों है, क्योंकि बहुत सारे सिविल के बच्चे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं, तो उनका भी जवाब आपको मिल गया होगा। पूरे वीडियो को देखो, बताओ आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको क्लासेस कब से चाहिए और कैसे कैसे आप क्लास करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।